नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। हमारे उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए ही नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ पर लोग मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। तो ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड टिहरी जिले के नैलचामी गाँव के एक लड़के महेंद्र की, जो आज से लगभग 20 साल पहले एक सुबह अपने कुछ साथियों के साथ शिकार करने जंगल गया था, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। उन्हीं साथियों के द्वारा उस पर गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज उन्हें महेंद्र देवता के नाम से जाना जाता है और यह नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तो तब से लेकर आज तक हर साल मई के महीने में नैलचामी पट्टी के मलकोट गाँव में उनके नाम का एक मेला लगता है, जिसमें देवी देवताओं के बीच फूलों से सजी उनकी एक सुंदर सी डोली आती है। तो आइए और देखिए यह सुंदर सा दृश्य। तो गाइस, आ चुके महेंद्र देवता की डोली। देखिए, एक महेंद्र देवता की और एक घंटियाल देवता की डोली है। जय महेंद्र देवता। डोली प्रस्थान के बाद मंदिर प्रांगण में कुछ ही समय बाद दूसरा पहर होगा, जिसमें डोली और भक्तजन अपना नृत्य करेंगे। तब तक मैं आपको यहाँ के मेले की सौंदर्यता दिखाता हूँ।
कुछ इस तरह से यहाँ पर हर साल महेंद्र देवता की जात होती है। तो अगर आप भी उनके प्रति मन में श्रद्धा भाव रखते हैं तो एक बार यहाँ पर जरूर आएं। जय महेंद्र देवता।